ये कर दूंगा टॉप का बिल्कुल मेन पॉइंट। लद्दाख नहीं आना आप दोबारा। हम तो कह रहे भैया क्या ही व्यू है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, गुड मॉर्निंग। आज भाई आज हम जाएंगे खरदुंगला और आज तो मौसम भी बहुत ठंडा है। ये मेरे पापा खड़े हैं, रेडी हो गए एकदम। हेलो गाइस, फिट एंड फाइन। पीछे मम्मी है। हेलो गाइस, अब मैं एक बार आपको मौसम दिखाता हूँ। आज तो खैर पैक हो गए हैं पूरे, तैयार हो गए हैं। यहाँ से ठंडी हवाएं चल रही है आज बहुत। ब्रेकफास्ट करने आए गाइस, हम ही लेट हो गए आज, सब हमसे पहले आ गए। ये देखो सारे लोग यहीं बैठे हमारे पहले से, हम ही लेट हो गए आज। मैं लेट हो गया आज है। गुड मॉर्निंग कर दो सब। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लेट अपनी तैयार कर लिए गाइस, हल्का ही खा रहा हूँ मैं तो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ट्रैवलिंग के टाइम हैवी खाया जाता है, जैसे छोले भटूरे खा जाता। ये भाई तो बहुत सारी मैकरोनी खा चुके हैं। ठंड लग गई आज तो, वो निकाल लिया। हाँ। मफलर है। ट्रैवल भी आज 5-6 घंटे का। हाँ यार बहुत दूर जाना है आज तो। मैचिंग देखो कितना अच्छा। तो भाई हम लोग रेडी हो चुके हैं, सारा सामान हमारा रखा जा रहा है इसके ऊपर, और हमें जाना है आज खरदुंगला। खरदुंगला पहले 50 किलोमीटर पड़ता है, उसके बाद हम जाएंगे नूबरा वैली जो 150 किलोमीटर है अप्रोक्स। तो मौसम भी यार ठंडा है बहुत, हवा चल रही है। बाकी हम आपको बीच में सिनेमैटिक्स दिखाते रहेंगे। मैं आपको सिनेमैटिक्स नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं सो गया था, बहुत नींद आ रही थी। बट अभी हम यहाँ पर बीच में स्टॉप लिया है भाई, पता नहीं स्नोफॉल हो रही है थोड़ी थोड़ी, अभी शायद ऊपर और मिले खरदुंगला पे। बाकी आप व्यू देखो, अभी आगे आपको व्यू दिखाऊंगा, सामने का भी पीछे का भी, बादल आ रखे हैं पूरे। और ये कैप पहननी बढ़िया है। अभी मैं आपको सामने व्यू दिखाता हूँ, ये देखो चेक करो, खरदुंगला इसके ऊपर यहीं है शायद, तो वहाँ तो पूरी अच्छी बर्फ मिलनी है हमको, बढ़िया। बाकी तो मस्त है, मज़ा आएगा अगर स्नोफॉल मिल गई तो। पहली बार देखूंगा मैं, मतलब पहले देखी है बट बहुत हल्की देखी है, अच्छी सी मिल जाएगी तो मज़ा आएगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा अभी फिलहाल, क्योंकि ज़्यादा। अंकल कैसा लग रहा है? अभी तो ऊपर मिलेगी ना बर्फ, ऊपर मिलेगी ना बर्फ, कैसा लग रहा है? एटमोसफियर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे हैं। एडजस्ट कर रहे हो अभी? हाँ ढाल रहे हो, मतलब मजा आ रहा है, मेरे को तो मजा आ रहा है पूरा। मैं नहीं पहनूंगा कैप। मैं आगे आ गया था बैठने, आप लोगों को दिखाने रास्ता। देखो क्या मस्त रास्ता हो रखा है, एकदम मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, इधर भी सारे में बर्फ है और ना कोई धूप निकल रखी है आज। बढ़िया मजा आएगा ऊपर, इंजॉय कर रहा हूँ रास्ते को हमारे साथ, बाकी सब भी इंजॉय कर रहे हैं। 10 किलोमीटर है, कर रहे हो एंजॉय अंकल आप? मजा आ रहा है, एंजॉय फुल हो रहा है, एंजॉय हो रहा है। हाँ बर्फ ही बर्फ है, मजा आ रहा है। 5 मिनट का हमने ब्रेक लिया था, वहाँ भी मजा आया। आप आगे जाएंगे अभी तो, सारा वाइट हो रहा है, सारा वाइट है आगे, एक तो वाइट है, वाइट है। रोड खराब हो गई है, रोड तो खराब रहता है ये बात है। गाड़ी में हो गई दिक्कत, धक्के लगाए जा रहे हैं गाड़ी में, रास्ता देखो अभी बड़ी गाड़ी। जून में ऐसा मौसम देखने को मिले तो अलग ही मजा है ना। दिल्ली में गर्मी है, यहाँ चारों तरफ बर्फ है। ये स्नोफॉल साफ कर रहे हैं, इनका भी काम है बेचारों का, इतनी ठंड में यहाँ काम करते हैं आके, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं काम कर रहे हैं। ये सारा खरदुंगला टॉप का है, यहाँ पे अभी यहाँ पे मेन स्पॉट यहाँ पे जहाँ सब फोटो खिंचवाते हैं, वहाँ पे ये लगा रखा होता है जो भी होता है। ये थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही है, मज़ा आ रहा है बहुत, और फोटोज़ तो बहुत अच्छी अच्छी आएंगी, वो सारी इंस्टाग्राम पर डालूंगा। ये लिखा हुआ यहाँ पे वेलकम टू खरदुंगला टॉप। वहाँ पे लगा हुआ है, बाकी आप लोग इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पे रील्स और फोटोग्राफ सारी वहीं पे डलेंगी, तो फॉलो ज़रूर करना अच्छी अच्छी रील्स के लिए और फोटोज़ के लिए। ये है खरदुंगला टॉप का बिल्कुल मेन पॉइंट जहाँ से फ़ोटो खिंचवाते हैं, अभी हम भी फ़ोटो खिंचवाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हो गया हमारा, चारों तरफ देखो बर्फ ही बर्फ है, मैं पूरा गोल घूमता हूँ। हमारे थोड़े लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है, अब निकल रहे हैं यहाँ से, चलते हैं अपना ट्रैवलर की ओर चलते हैं। बाकी बढ़िया मज़ा आया यहाँ पे, सब लोग मज़े ही कर रहे थे बट हमारे लोगों की तबीयत ख़राब हो गई।
मिलते हैं आपसे बाद में। यहाँ के यहाँ पे मन्नत मनाली में तो यहाँ की सवारी के भी पैसे लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मली घूमने हैं तो बढ़िया सफर चल रहा हमारा लंबा। अंदर सोते हुए जा रहे हैं, बीच में दो चार स्टॉप ले लेते हैं, कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। स्टॉप लेता मैं थोड़ी देर, तबीयत खराब हो गई है, कुछ उल्टी वगैरह हो रही है क्योंकि गैस बन जाती है ना पहाड़ों में गोल गोल घूम के। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, खैर अंकल भी ठीक है, बाकी थोड़े लोग सुस्त पड़े एकदम, थोड़े ये चीज़ में रोकना पड़ रहा है उन लोगों के लिए। भैया बता रहे हैं हम सब कुछ यहाँ पे क्या क्या है, ये बीजी से बताते रहते हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं करता बट फिर भी बताते तो हैं। भैया नीचे कौन सी वाली भैया, ये श्योक श्योक वाली है। और हम कहाँ जाएंगे, हंटर हुंदर, हम जाएंगे हुंदर, वहाँ पूरा कैमल राइड होता है, वहाँ जाएंगे हम। बाकी हमारे जो साथ के लोग हैं वो तो परेशान हो चुके हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा है। बट गाइज आप देखो कितना अच्छा व्यू है, ये सब बुजुर्ग हैं, ये सर बुड्ढे हैं, तो कह रही है बढ़िया है। इतनी देर से ट्रक चले जा रहे हैं हमारे आगे, 10-15 ट्रक, इनके डीजल के कंबशन की स्मेल आ जा रही है, सर दर्द करती है सबके, अब परेशान हो गए हम ट्रकों से, बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत इरिटेट। कम से कम 15 ट्रक चले को आगे भी जाए। फाइनली हम आ गए हैं, नोबरा वैली है ये, और उसी में एक हंडर विलेज पड़ता है, वहीं पे अपना ये होटल है जो भी है। बाकी आप इन लोगों से पूछो कैसा रहा सफर, कैसा रहा सफर सबका बताओ। पहुंच गए जैसे तैसे करके, तो फिर आने लद्दाख नहीं आना अब दोबारा, हम तो कह रहे भैया भूल के भी नहीं आएंगे, ये ग्लव्स ले लो जी। बट व्यू चेक करो आप एक बारी, क्या ही व्यू है। रूम में आ गए थे गाइस हम, फिर थोड़ी देर हम सोए, अब हम अपना लंच कर रहे हैं, थोड़ी देर हो गई। ये अपना लंच चल रहा है, यहीं पे मंगा लेते अपना खाना, हमने बैठे हुए आराम से अब खाएंगे। बाकी बाहर का मौसम, बीच में तो बारिश होने लगी थी बट अब ठीक हो गया, तो देखते हैं कहीं बाहर जाएंगे या नहीं। डिनर करने आए हैं, अब डिनर खाएंगे अपना बढ़िया, बुफे सिस्टम तो मिलता ही होटलों में। सब लोग आ चुके अपने यहाँ पे, लगा रहे अपने अपना खाना। खाना खाने के बाद अपनी बोनफायर लगवाई हमने, आप तो पहले ये कुत्ता चेक करो, हट दो परी, इसका साइज देखना, ये नॉर्मल है यहाँ पे, हाँ बहुत नॉर्मल है एकदम, इतना बड़ा कुत्ता हाँ पर पालतू है बढ़िया। ये क्या कर दिया, डांस करोगे, करो टाइम पास कर रहे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ आ जाओ आपके लिए ये लो। तो भाई टाइम हो रहा है अभी 10:45 और हम अपने रूम में पड़े हुए हैं, बस सोने के लिए वेट कर रहे हैं, क्या सोए या फिर अभी और टाइम पास करें। बाकी आज के लिए इतना ही था, अब कल मिलेंगे नए व्लॉग के लिए, व्लॉग में। Till then, bye, good night. Good night.